शब्द और वाक्य। सा जमा ऊ जमा रा जमा अ जमा ज जमा अ सूरज। भ जमा आ जमा ल जमा ऊ भालू। प जमा अ जमा त जमा अंग जमा ग जमा अ पतंग। आ जमा द जमा अ जमा म जमा ई आदमी। ग जमा री जमा ह जमा अ गृह। प जमा ए जमा ड जमा अ पेड़। ये सभी शब्द हैं। अलग अलग ध्वनियों के सही मेल से ही शब्द बनते हैं। आप जानते हैं कि हम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उस पर वाक्य के नियम लागू हो जाते हैं। इस तरह शब्द की तीन प्रमुख विशेषताएं होती हैं। शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनता है। शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द स्वतंत्र होता है। विभिन्न ध्वनियों को निश्चित क्रम में जोड़कर बनाए गए अर्थवान एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। बातचीत करते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य शब्दों से बनते हैं। क है तालाब कमल में खिला। ख खिला में है तालाब कमल। ग तालाब में कमल खिला है। ऊपर क और ख की रचनाओं को हम वाक्य नहीं कह सकते। जहां तक ग का प्रश्न है, इसमें शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा के नियमों के अनुसार तो हुआ ही है। साथ ही वक्ता जो कुछ कहना चाहता है वह भी पूरी तरह समझ में आ रहा है। इसे हम वाक्य कह सकते हैं। अतः ध्यान रखिए, वाक्य विभिन्न शब्दों के मेल से बनता है। वाक्य में आने वाले शब्दों का क्रम उसे भाषा के नियमों के आधार पर तय होता है। वक्ता जो कुछ कहना चाहता है उसे वाक्य पूरी तरह से व्यक्त कर सकता है। शब्दों को निश्चित क्रम में जोड़कर बनी ऐसी रचना को वक्ता के कथन को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, वाक्य कहलाती है। हमने सीखा, ध्वनियों को सही क्रम में जोड़कर बना स्वतंत्र एवं अर्थवान ध्वनि समूह शब्द है। वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द स्वतंत्र होते हैं। भाषा के नियमों के आधार पर शब्दों के निश्चित क्रम में बनी वह रचना जो वक्ता के कथन को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, वाक्य कहलाती।